मैं ज्ञान करने के लिए परिपूर्ण हूँ, मैं आरोपी हूँ, अन्य परमाणु मात्र भी नहीं ऐसा कौन कह रहा मैं कह रहा हूँ, मैं कौन तो मैं नहीं आत्मा तो कौन आत्मा तो जिसने अभी अभी आत्मा का अनुभव किया है ऐसा ऐसा आत्मा ये कह रहा है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ और अंत हूँ। ऐसा मेरा पक्का सिद्धांत है कि अन्य परमाणु मात्र भी मैं नहीं। सालों के तेरे ज्ञान में झलकते हैं ना, झलकने दो, वो मेरे में विकार पैदा नहीं कर सकते। उनके झलकने से मेरे को कोई खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? क्योंकि खतरा उन्हें अपना मानने से होता है, खतरा उन्हें अपना जानने से होता है। और मैंने ये पक्का निर्णय कर लिया है इनमें से कोई नहीं, और मैं नहीं हूँ कि इन्होंने कह दिया मेरे ज्ञान के बने उससे मुझे कोई विकार होने वाला नहीं है। कल एक फैसला किया था कि सारे ये हमारे ज्ञान में धड़के ये तुम कह रहे हो, लेकिन उस सर्वसुन ज्ञान वाले के सारे ये कहते थे केवल ज्ञानी के लिए बात हो सकती है, और केवल ज्ञानी को कोई विकार होगा ऐसी संभावना नहीं है। वो तो ये कह रहा है मुझे आचार सुन जो कह रहा है मुझे उत्तम पुरुष में बात करते हैं, ये अपनी भाषा है विद्वान। जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं देखो भैया हमें ऐसा करना चाहिए, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो पांच दुनियों की किस्तियों में फंसे रहेंगे, तो सर इनको जाना पड़ेगा। इसकी भाषा में बात करते हैं कि हमें हम अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, हालांकि सब जानते हैं कि ये सब की बात है। ऐसा नहीं करे यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नरक में वो जाना पड़ेगा। आचार्य मैं की भाषा में बात करते हैं अरे को आचार्य तुम एक है, ये उपदेश की भाषा भी ऐसी होती है जो अपने पर घट कर की जाती है कि चेतन तुम तो चतुर हो काय भय मति। अपने ही चेतन से कह रहे ऐसा नहीं कह रहे तुम तो तुम विष्णु के मानिए, किसे कह रहे जहां तू सब जनवाणी में लिखा भी हो सॉरी उसका अर्थ मैं करना कि जब वो तू लिखते हैं तो ऐसा कहते हे आत्मा तुम अपने ही लिए तुम शब्द का प्रयोग कर रहे हे आत्मा तुमने अनाधिकार से इस संसार में फिर आचार्य कहते हैं कि मुझको तो निज रस से ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ है जैसा ज्ञान ये परमाणु मात्र भी मेरा ज्ञान है, ज्ञान है इसका कौन क्या है अनंत पदार्थ मेरे ज्ञान के बने तो पुरंत मात्र भी मेरे में विकास उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान है। अनंत पदार्थ तो ज्ञान के बने नहीं सकते, क्या भी करे क्यों भी बने क्यों भी कौन है नहीं है, यहाँ नक्की तो है
तो कर बता दो एक एक समय की एक एक पर्याय का ये कौन बनेगा ये भी नक्की है। और कहना धरना तो बहुत दूर क्या होगा ये तो सुनिश्चित है, लेकिन तेरे ज्ञान का ये कौन बनेगा ये भी नक्की है। तो बात सुनने करना तो मेरे ज्ञान में ये आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है। अब मेरे ज्ञान में सारे इतने भेजती है तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में देखना पड़ेगा। ऐसा मेरा ज्ञान करता है और ऐसा मैं प्रतापवंत बनता हूँ। ये काफी हमने मान ली थी क्या ऐसे मैं प्रतापवंत बनता हूँ। अब अंत में अपनी बात कहकर कि सारे जगत को निमंत्रण दे रहे हैं। कलश 38वां कलश 38वीं गाथा के पास नंदन कुंगर वर मुनि समवेव लोका आलोक मुच्छल शांत रसे समस्ता अप्राल विभ्रम तिरस्करणी भरे ने प्रोमग्नेश भगवान अवबोध सिंधु। ये कहते हैं कि भगवान जो आत्मा है वो ज्ञान का समुद्र है। भगवान अवबोध सिंधु भगवान आत्मा ज्ञान का सिंधु है और इसमें एक आवरण बड़ा है ऊपर। आवरण का तो बोलते हैं पर्दे को, पर्दा का तो बोलते हैं विशेष कर्नाटक शासन है इसका नाम है तिरस्करणी। क्या नाम है इसका? तिरस्करणी। विभ्रम मत तिरस्करणी बने रहे इसका नाम पर्दा। तिरस्करणी माना पर्दा, इसका नाम तिरस्करणी को पड़ा। आवरण तो आवरण नहीं होता, तिरस्करणी पर्दा होता है उसके पीछे नाटक करने वाले नाटक की तैयारी करते हैं और सामने बैठी बैठी जनता देखती है। तो इस पर्दा के खुलने में देर हो तो उन्हें कितनी आवश्यकता होती। सबकी निगाह में इसका तिरस्कार होता है, क्या भीड़ में आ गया, क्या भीड़ में आ गया। इसलिए इसका नाम बड़ा तिरस्करणी। दर्जे का नाम तिरस्करणी क्यों बड़ा? क्या हजारों आदमी के दिमाग में ये आता है कि इसका तिरस्कार का भाव आता है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हमें ऐसे काम है, प्रसन्न रकम कहते हैं, पर्दे को देखते हैं, किसी को ही नहीं आता कितना ही बढ़िया पर्दा हो। आता हमें चंद्र ने इस समय साल को नाटक का रूप दिया और किसी के आधार बनाकर मनासी दास ने नाटक समय साल लिखा। तो नाटक में एक पर्दा होता है, पर्दे के पीछे जो प्रोग्राम दिखाई देने वाला है उसकी सारे जगत को आप होता होगी, सारा जगत उसे देखने के लिए बैठा। इसलिए उस पर्दे को तिरस्कार की निगाह से देखता है, लेकिन पर्दा तो समय पर खुलेगा, दर्शकों की मर्जी के अनुसार नहीं खुल सकता। तो कहते ऐसा ज्ञान रूपी दरिया अंदर में लहरा रहा है और उसके सामने एक पर्दा पड़ा और पर्दा की वजह से वो हमें दरिया दिखाई देता है ज्ञान का समुद्र। तो वो जो आवरण है वो उसका नाम रखा है तिरस्करणी। तो कब खत्म हो? आवरण खत्म हो, आवरण खत्म हो जाते हैं और कदाचित पीछे बहुत बढ़िया दृश्य है
और वो पर्दा हट जाए तो क्या आनंद का नजरिया। तो कहते पर्दा हट जाए और भगवान आत्मा रूपी दरिया ज्ञान का दरिया अंदर समुद्र लहरा रहा है वो दिखाई दे जाए तो आनंद आनंद हो जाए। आचारी कि वो मेरा पर्दा हट गया है और वो मुझे देख गया राज की ओर में बाहर होता सामने बाहर है अपनी आंख से देखने में समर्थ है लेकिन आंख का तो होना थोड़ी कनिका होती है उस कनिका के सामने इतना सा यदि कोई वो आ जाए काला धब्बा काला मुठिया तो कितना सब कुछ नहीं देता है उसे देखने की ताकत है फिर उसका पर्दा पड़ा ऐसा नहीं इतना पर्दा हटेगा तो इतना देगा। तो वो कहते हैं मेरे मेरे ज्ञान का वो पर्दा हट गया सारा दलिया ज्ञान का मुझे दिखाई देता है मैं सारे जगत को आमंत्रण देता हूं कि आओ तुम इसमें ना हो तो वो मेरा दोस्त सारे जगत को आमंत्रण दे रहे हैं। देखो मैं क्या अर्थ पढ़ता हूँ तो आपको ख्याल में आएगा यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी आधी चादर को समूलतया डुबो कर स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ इसलिए अब समस्त लोग उसके शांत रस में एक साथ ही अत्यंत मग्न हो जाओ। शांत रस में समस्त लोग मग्न हो जाओ क्योंकि ये किसान से उसका दलिया हो सकता है। रो मग्न माने तुम डूबकी लगाओ हे जगत के जीवो तुम इसमें डूब कर डूबकी लगाओ वो आमंत्रण दे रहे गुरुदेव ऐसा प्रजन वाला था तो एक बार जरूर कहते थे तब उनकी पंचदशिका में जो दाना निकाल है तो दाना निकाल में एक अपना ही भोज किया गया हो नहीं मतलब बनाया हो और अंदर से नीचे को ले जाता है ना तो डरे हुए भाग में उसको खुर्चन बोलते तो खुर्चन निकाले और बाहर फेंक दे तो उस खुर्चन को गंगा गाँव गाँव करके बहुत गाँवों को जोड़कर बुलाकर और सबको एक साथ खाता है अकेला नहीं खाता। यदि तेरे पास वो खुर्चन जुड़ गई हो और यदि तुम अकेला खाएगा तो कंगू में से भी जाएगा। वो आता नहीं कहते मेरे को आनंद का दरिया अंदर मर रहा है मैं सारे जगत को निमंत्रण दे रहा हूँ कि वो आकर इसमें मेरे साथ ना हो। लेकिन मैं इसका भी बचाने वाला को सुनाता हूँ कि कसों का मुझे पूरा बचाने वाला दिया अरुण भाई अलग तो वो पढ़ता हूँ सुख शांत रस से ज्ञान सागर आत्मा विभन में की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा हे भाव जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए हर इसे ही अपनाइए इसमें मगन हो जाइए। रब में की जो कि बहुत प्रसिद्ध जिसे बोलते हैं नवकाल की
हिंदी गाना भी को मैंने बता दिया होगा, आप लोग जानते हो। प्रकाश सिंह का अर्थ यह होता है कि जब कोई किसी के भोजन के लिए सारे लोगों को बुलाना चाहता है, संपूर्ण जनों का एक साथ भोजन कराना चाहता है, तो सारी किस्तें भी अपने पास नहीं होती हैं, एक एक को निरंतर कार्ड भेजा जाए ये भी संभव नहीं होता है। तो चौराहों पर बाजार में ऐसे बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि हमने नमस्कार सी करने का विचार किया है, तो सभी लोग हमारे यहाँ भोजन करने पधारो। मुख में नमोकार मंत्र है, बेटा दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, धर्मवादी हो, मूर्ति हो, जैन मूर्ति हो, कोई भेद नहीं है। तो नमोकार मंत्र जिनके मुख में है उन सबको हमारा निमंत्रण है, और हजारों लाखों लोग आ जाते हैं, अपार भोजन बनाया जाता है बाजार में और उसमें का इंतजाम किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नमस्कार। जो कारण दिया गया है भूल जाए, निवेदन है कारण साथ में लाए, यदि नहीं लाए तो दरवाजे में हो सके आपको रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं, वो नवकाशी हो जाए, आज आप यहाँ नवकाशी कर रहे हैं क्या? एक साथ नहाए आ जाओ सारे लोग, तो जमीन में सहलवाने की पकेंगे तुम सारे लोग। हम तो सबको निमंत्रण देते हैं, हम कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो पक्षपात से रहित होकर सारे लोग को इसका आमंत्रण। अभी तक तो एक मंदिर के अंदर का नहीं बन पाया दूसरे को, कम से कम 15 मंदिरों की परिक्रमा हिंदुस्तान में गया हूँ, सब कमाई थी। जिसके महामंदिर उसका ये मंदिर है, एक भगवान मूर्ति श्रद्धा रखी जाती है, दूसरे जगह में रखी जाती है, तभी में नवकाश की रखा जाता है। एक अपराध ही हो कृति बना करके और एक रुका बना दिया जाता है, ये बड़े खाना एक जगह खड़ा कर दिया जाता, एक श्रीमद आदमी वालों को दे दिया जाता, वो सब पूरा दिन समाज समझे ये हमारा मंदिर है। एक साथ नहाई आचार्य को नमकार दी, तो मैं उनसे कहता हूँ भैया सेठियों की नमकार दी तो तुम्हें हजारों मार की नहीं होगी, आज एक पंडित नमकार सी दे रहा है तो सारे लोग सारे प्रेमी आकर कुंज कुंजा जाएगी। भगवान महावीर की वाणी में जो तत्व ज्ञान आया है, कुंज कुंजे श्री के माध्यम से जो उनको प्राप्त हुआ है, उसको आगे एक साथ 27 साल ब्रह्मा कभी कभी सोचता हूँ, कहता हूँ देखो बहुत गंभीरता से सोचने की बात है, सारे हिंदुस्तान में 1 अरब लोग हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार जैनी हैं, माने जाते हैं और हैं भी। अभी जो जनसंख्या आई है ना, तो उसमें जैनियों की संख्या शिक्षितों में 99% आई और दूसरे लोगों की 50% 60% ऐसी आई। जितने तो हम इतने बड़े लिखे लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, इतना सब बिल्कुल पूरे अपू डेट है। और अभी खतरनाक बात कहता हूँ, ये जो फैमिली प्लानिंग का झगड़ा है ना, ये सबसे ज्यादा बड़े लिखे लोगों को असर करता है। हम सब अपने छाती के हाथ रख के विचार करने प्रयास की, आप कितने भाई मोहन थे, भाई बहन को बोलो
पांच छह तो है साथ है और पांच छह साल मर गए हूँ पंद्रह से कम नहीं होते थे। हम भी चार जिंदा है और छह साल मर गए। इससे कम किसी ने नहीं होते थे। अब दो या दो से तीन और दो से एक में आ गए। सबसे ज्यादा इसे अच्छे लोग अपनाते हैं। मेरी समस्या दूसरी है कि कहने का बात सुन गया मेरी के तो ज्यादा बच्चे पैदा करो और अपने घर वाले की संख्या बढ़ाओ। ये भी कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एक कंडीशन है तो अब संतान पैदा कर देते तो हम जैनियों की संख्या बढ़ा नहीं सकते। और मुख्य लोग तो उनमें फिर 99% है वो मुख्य में नहीं मुख्य में तो 70% है और तब तो ये पुस्तकालय है सब गुरुदेव की वाणी के सुने हुए लोग हैं तो सबसे ज्यादा आयन का असर है। गाड़ी पीछा करके देखने में लेके घर दिला के सब जाकर देखते हैं 40 वर्ष की उम्र के नीचे जितने लोग हैं उनकी थी दो की दो संतान हुई किसी के ना तो मुझे नाम बता देना। तो ये मुमुक्षुओं की संख्या कैसे बढ़ेगी मेरी समझ में नहीं। तो मुसलमानों वाला करेगा तो हम अपना नहीं सकते असोगी। मैं इसके गाथा के गलत के संदर्भ में बात कर रहा तो हम क्या करें। और हमारी एक दिक्कत और है कि जितने मुमुक्षु हैं छाती पे हाथ रखकर देखना कि उनका वो जो एक एक बेटा है जो जितने तत्व ज्ञान की रुचि तुम्हें है तो तुमने अभ्यास किया है उसको ये संस्कार दिए हैं क्या। तो रिलीजन जी बताओ तुम्हारा इतिहास कितनी धरे तुम ठीक कह रहे हो मान वो उनको सबसे बढ़िया बढ़िया पढ़ाई बढ़िया पढ़ाई क्या होती है भगवान ने और बढ़िया बढ़िया वो धंधा पानी में लगाना समाज है तो उनके मुमुक्षुओं की संतान भी मुमुक्षु नहीं हो वो भी स्वाध्याय नहीं कर रही तो वो पैदा कर नहीं सकते और उनको जो है उनको भी हम मुमुक्षु कायम रख नहीं सकते। तो कैसे बड़े मुमुक्षु और जो आया है उसे जाना तो अवश्य मानना तो है क्यों तो जितना मर गया उतना घर होने मैं एक एक घर के नाम गिना सकता हूँ तो कितने कट्टर मुमुक्षु थे जो हमारे उस वक्त चलाते थे और उनकी आगामी संतान बिल्कुल जीरो है। अभी मेरे को तस्वीर में आ रहा है एक आदमी 4-5 साल में जिंदा रहना चाहता हूँ साथ है। अब एक ही रास्ता है कि हमारे जो देश समाज है पूरी उसमें गुरुदेव के स्तर को ज्ञान को हम पहुंचा। हम भी एक जन ऐसे थे ना क्यों हम और तुम सब लोग भी ऐसे हैं कि जब गुरुदेव के यहाँ गए थे तो उनकी परीक्षा करने गए थे देखने गए थे कि कैसा क्या मामला है क्यों देखो ये बता रहे डंडे लेके गए थे लड़ने गए थे और वहां के लड़के रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाकी जो बंदर के लगे हुए हैं वो कार मंत्र है उनके आवक का रास्ता चालू रहेगा तो मुख्यु रहेंगे। वो रास्ता बंद हो गया तो हमको समय में प्रसाद बनने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे 500 विद्वान विद्यार्थी बनके मिले अभी उनका सर्वेक्षण करो तो उनमें 500 में मुख्यों के लड़के 200 भी नहीं होंगे 300 से ज्यादा गैर मुख्यों के लड़के हैं। दक्षिण भारत के हैं कम से कम 25% लड़के और वहां के सब विश्वविद्यालयों के सबको लड़के मिल रहे कोई लगा के देख लेकिन उसको बच्चों का छोटा ना पड़ेगा मेरा नाम
जाना चाहते हैं और 500 में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर मुसलमान बना हो, उसका परिवार मुसलमान बना हो, उसके रिश्तेदार मुसलमान बना हो, एक एक के पीछे कम से कम 20-25 आदमी मुक्सु बने, तो कितना 500 के साथ कितना मुक्सु बनेंगे। ये महाविद्यालय के माध्यम से जो गुरुकुल ग्राम सीता से चलाता है, जिसका संचालन हम करते हैं गोरखनाथ समाज, उसके माध्यम से इतने नए महोत्सव हैं और उनमें वो हैं जिन्होंने गुरुदेव श्री के दर्शन भी किए। उनके लिए यदि गुरुदेव श्री हैं तो हम भी हैं, और हमने गुरुदेव श्री का जो उनको उनके पेट में डाला है, गुरुदेव श्री का परिचय जो जैसा हमने कराया है, वो परिचय हमने गुरुदेव श्री का जितने आप मुक्सु हैं उन सबके रिश्तेदारों को पकड़ करके लाए, ये सब गैर मुक्सु हैं। अरे दस्ती लोग भी अपने रिश्तेदारों को पकड़ के लाए तो गैर मुक्सु थे। तो कितने गैर मुक्सु को पकड़ के लाए, बोलो डॉक्टर साहब। ये सब या के स्तंभ मैं कहता हूं कि दीवारें अरे खड़ी हुई तो समझना हमारा नुकसान है, यदि हमारे पास माल है और हम समझते हमारी वाणी में ताकत है, हमारी लेखनी में ताकत है, गुरुदेव जी का दिया हुआ इतना जो भगवान महावीर की वाणी में आया माल है, तो हमें क्या जो हमारे यहाँ आया वो तो हमारा बने जाएगा, ध्यान में आया तो हमारा बड़ा वहां गया। गैर मुक्सु को याद बना हो तो एक आप मेरे पास लेके आए, और गैर मुक्सुओं से बने मुक्सु बनने वाले, अरे बनने जाते थे या आते ही आते हैं, जाते तो यहां से कोई है ही तो समझ लेना वो मुक्सु हुई है, ऐसा तुम मान जानी है तो भ्रष्ट क्यों नहीं है, तो हम कहां जानेंगे, कहां प्राणी जाते हैं तो कहां प्राणी जाएंगे, हम क्यों भ्रष्ट नहीं है, तुम्हें ये गुमान है कि तुम लोग उनके भले। गुरुदेव का सबसे ज्यादा आशीर्वाद हमें प्राप्त किया है, आज यदि कोई जिंदा लोग हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त कोई व्यक्ति है तो वो हम हैं, और हमें उनके तत्व ज्ञान को जिन तक जितना पहुंचाया है वो हम हैं और कोई दूसरा नहीं, जो अच्छे कहां कहां कौन कौन कब कब आया है, हमने ये दरवाजा खोल के
जितना हमारा रहना है कानून का शुभरा है, इसके लिए मैं पूरी किताब लिख रहा हूँ, एक लाख छपा करके क्या है वस्तु का स्वरूप, क्या है जाएगा फिर
उनका सूरज का कहीं खोटा होगा ना, है ना? श्रीमद राजन कौन थे, बड़ी जी कौन थे, रामी स्वामी कौन थे? मैं ये कह रहा हूँ कि हम दिगंबरों के बाहर भी यदि से नहीं जाने देते तो ये लोग जो हमारे गुरुओं जैसे महापुरुष हैं, वे लोग भी दिगंबर कैसे बनते? तो उनने तो बाड़ा वहां भी नहीं खींचा और हम दिगंबरों में नहीं, पंथों में, ऋषियों में, स्वामियों में, मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ भजन बहुत प्रेम से गाते हैं, ए महावीर आना पड़ेगा, और गड़बड़ हो गई है कि दुनिया को संभालने के लिए अब तो पहले भगवान ने बचा, भगवान से कहते हैं कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए ज्ञानियों को जगाना पड़ेगा। ज्ञानियों के भगवान तुम्हारी जिंदगी मान लो सुनी, और भगवान महावीर ने कहा, सुनना क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहा, मैं आने को तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम एक मत से एक नक्की करके भेजो कि मैं कहाँ आऊँ। कहाँ का मतलब समझे, तो क्या निर्णय कर सकते हैं, निर्णय करके हमें बता सकते हैं कि तुम मैं आओ? इंदिरा गांधी ने कहा था ऐसा जरूर दिल्ली में निकालो भगवान महावीर मंदिर बस में कि दुनिया देखती रह जाए। तो इस बात पर झगड़ा हो गया कि उस जुलूस में जो रथ रहेगा उसमें भगवान रह रहे हैं महावीर, वे आपको मालिक होंगे या बिना आपको मालिक, समझ लो। अगर मंत्रालय नहीं कर सकते तो इंदिरा गांधी ने कहा दो अपने गांधी कोई तरफ देख कर की बात नहीं, एक में आंखों खाली एक में बिना आंखों मारे, ठीक है क्या ठीक है, लेकिन आगे हमारा नहीं कर पाए कि आगे कौन रहेगा और पीछे कौन रहेगा। आखिरकार वो जुलूस निकलाई तब निर्णय कर पाएंगे, मान लो सर्वसम्मति से हमने निर्णय कर लिया है दिगंबरों में आ जाओ। तो क्या भगवान ने कहा अगला प्रश्न, तेरा पृथ्वी हमारे बीच बंधी हुई कर पाएंगे, मैं फिर भी हमने कर लिया कि तेरा पृथ्वियों में फिर पृथ्वी खड़ा होगा कि तेरा पृथ्वियों में तो मुड़ी पंथियों में कि गांधी पंथियों में कर पाएंगे, फिर पृथ्वी खड़ा होगा अफगानी मंच में आ जाओ तो सुन रहे होंगे कि जय बनी होगी। और अभी साधु साहब बाद में महावीर मंजूरी देंगे तो और गलत हो जाएंगे। भाई हम भगवान महावीर के हमारे हमारी कहीं तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी होती है ना, नवो अपने नवकार में नवकाशी तो बनाई ना कि जिसके मन नवकार मंत्र हो वो हमारे यहाँ जमीन में आ जाए, एक एक कॉमन कॉम चीज तो बनाई ना हमारी ना, कुछ तो कॉमन है ना हर में है कर नहीं है, सब महावीर के भगत में कॉमन है कर नहीं, ठीक है हम अभी बात नहीं बताएंगे, कुछ बातें हमें बताएंगे, हमें इधर यहाँ फिस्ट हो जाएंगे क्यों भैया, 99% फिस्ट होने के चांस होने के लिए अपने कोई भी एक कोई कागज हमको तो हमेशा रास्ता खुला रखने में ही रखना सकते हैं, आपसे इतने बड़े देखे करोगे सुनाए इसमें दंड रख सकते हैं, दंड रखने के काम हो सकते हैं, और इन्हीं से जो प्रभावना होकर के आगे लोग बढ़ते हैं ना, अपना एक एक दंड जलाना होता है, एक एक शिविर होता है, उन्हें 10-20 रूप से बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं,
ट्रेनिंग के माध्यम से हम किसी को दिल को चुहाने वाली बात नहीं करें, दरवाजे खुले रखें, दरवाजों से आते हैं भी लोग जाते भी लोग हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम घाटे में ही रहने वाले हैं, ऐसा सोचकर ये आचार्य की आज्ञा को हम माने कि सारा लोग एक साथ आकर इसमें डूब गए।